हाय, मैं हूं मंजोत एंड आई प्ले पम्मी इन माय लेटेस्ट रिलीज व्हाट द फिश। वेलकम टू एमटीवी वेब्ड। साल 2013 का सबसे पॉपुलर वर्ड था सेल्फी, यानी अपनी खुद से खींची गई एक फोटो। आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर ऐसे कई लोग हैं जो अटेंशन के लिए अपनी खुद की फोटोग्राफ्स अपलोड करते हैं। मोर लाइक्स, मोर कमेंट्स, मतलब ज़्यादा पॉपुलैरिटी। हाँ, लाइमलाइट में रहने के लिए अक्सर लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी ये शौक बन जाता है सेल्फ ऑब्सेशन। पर क्या इंटरनेट पर पॉपुलर होना इतना ज़रूरी है? क्या लाइक्स और कमेंट्स से एक इंसान की पहचान होती है? हमारी आज की कहानी दक्ष की, हैप्पी गो लकी मुंडा, जिसका सपना था वीजे बनना और कैसे उसकी जिंदगी बदल गई बिकॉज ऑफ वन मिस्टेक ऑन द वेब। दक्ष, कॉलेज का स्टड एंड रिसेंटली द विनर ऑफ फ्रेश फेस कॉन्टेस्ट। Hotness after a cool shower. Nice. Shekhar, Dux's best friend and his exact opposite. What's up, buddy? और भाई, आज का Voice of India का सिटी सेक्शन देखा? तू कवर पेज पे है, तू तो छा गया यार। आगे आगे देख, अभी तो सिर्फ सिटी सेक्शन पे आया हूँ, अगली बार मेन सेक्शन पे फोटो आएगी बेटा, तू देख लियो। हाँ भाई, आज कॉलेज आएगा तो एक ऑटोग्राफ भी दे देना, क्या पता फिर और बड़ा आदमी बन जाए और भूल जाए हमें। अबे नाटक साले, चुप बैठना तू, तेरे पास कम से कम गर्लफ्रेंड तो है, मेरी हालत देख। मैं नाटक? तू तो सर्कस है, मेरी तो एक गर्लफ्रेंड है, तेरी तो हर रोज कोई ना कोई नई होती है। मेरे दोस्त, मेरे यार, सोशल सर्विस, अब एक से ही बन जाऊंगा तो कितनों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी, कितने दिल टूट जाएंगे, तुझे आइडिया भी है? अब रहने दे, आज टीना, कल मीना और परसों शीना। शीना कौन? कॉलेज की है क्या? चुप बे यार। अरे ये सब छोड़, एक मिनट एक मिनट। अबे ये देख, दो मिनट में कितने लाइक्स आ गए हैं। यार सही बात बताऊं, गुड लुक्स के लिए अगर किसी को जेल होती ना तो मुझे तो कब की उम्र कैद हो गई होती। सही बात है ना? हे भगवान, इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड है यार तू, लड़कियों की तरह अपने आप को एडमायर करता रहता है। कम कर यार, थोड़ा कम कर। देख बेटा, तू नहीं समझेगा, लुकिंग गुड इज एन आर्ट, इट टेक्स डेडिकेशन, हार्ड वर्क, तपस्या, स्ट्रेटजी, ऐसे ही नहीं आता ये सब, समझा? मुझे समझना भी नहीं, मेरे पास अनन्या है और काफी है, बाकी सब तू रख ले। तुझे तेरी अनन्या मुबारक हो, मैं तो चला अपने टीना मीना और शीना के पास। चल चल, कॉलेज में मिलते हैं, बाय। चल बाय। चार चार पार्टीज की इनविटेशन है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ। अच्छा, मेरे पास भी पार्टीज की इनविटेशन है आज। तुझे पार्टीज की इनविटेशन? हाँ भाई, क्यों? इंडियन जनता पार्टी, हिंद कांग्रेस पार्टी और समाज सुधार पार्टी। हाँ कुछ भी बोलता है यार तू। सीरियसली, मजाक छोड़, फ्रेश फेस पार्टी इट इज। और सुन, अनन्या को लेके आइयो, मुझे तो वहां कोई मिल जाएगी, तू सारी रात चोमू की तरह घूमता रहेगा, समझा? हाँ भाई, ले आऊंगा, चलना। अनन्या, शेखर की गर्लफ्रेंड, स्मार्ट, pretty and has a secret crush on Daksh.
शेखर, शेखर आर यू फाइन? ए ट्राई वेकिंग यू मॉम. शेखर ए बड़ी, से पीने नहीं आता तो भी से क्यों पीती? आराम से. नो ही इज नॉट लाइक यू. व्हाट डू यू मीन? नथिंग. He's a very sweet, simple guy, you know. Can't handle all this party shit. Shekhar. एक मिनट. तो तू क्या कह रही है? सब मेरी गलती. I'm not saying that. Well, nothing. Let's just get him back home. Yeah. Hey, buddy, come on. आराम से. Don't fall. Easy. ओके बाबू, डांस इन योर स्लीप. ओके, सो जाओ सो जाओ. नहीं नहीं यार, कर ले डांस. जस्ट सेइंग. फीलिंग गुड? अच्छा, आंटी ने देखा तो नहीं? आई डोंट थिंक सो. गुड. हर बार का नाटक है इसका. आई जस्ट कम. दक्ष और शेखर के बीच का डिफरेंस बहुत ऑब्वियस था. दक्ष वॉज पॉपुलर, गर्ल्स लाइक्ड हिम, ही वॉज द हीरो ऑफ द पार्टी. और शेखर, ही वॉज सिंपल स्वीट. वो दक्ष को कंपनी देने में ही खुश रहता था. ये डिफरेंस शायद अनन्या को पहली बार बॉदर करने लगा. दक्ष की पर्सनैलिटी, उसका ग्लैमर उसे अट्रैक्ट कर रहा था. और शेखर, ही हैड नो क्लू what was going on. Hello? Hello, Daksh. Daksh, where are you? घर पे. क्यों? Daksh, please can you pick me up from GK2? Why? What happened? अरे, I was hanging out with my friend. ये शेखर ने 3-4 बार कॉल किया. मैंने उसका फोन उठाया नहीं. फोन साइलेंट पे था और he got pissed at me. I'm feeling really high. Please, can you just pick me up from here? वो यहाँ है और सबके सामने उसने scene create किया. What? वहाँ? Why would he do that? Just tell me, will you take me home or not? Okay, मैं आ रहा हूँ. Just wait there, okay? Bye. तेरा घर sector 5 में है ना? नहीं, मुझे घर नहीं जाना. अनन्या प्लीज, मैं शेखर को फोन कर रहा हूँ, मैं उसे मनाता हूँ, पर तुम लोग जानो तुम्हारा झगड़ा जाने. लिसन, इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ मी ना, तो फिर मुझे यहीं पर उतार दो. अरे यार, गुस्सा तो तेरे नाक पे चढ़ा हुआ है. गेट मी होम वरना ड्रॉप मी योर रूम. अनन्या, पागलों जैसी बातें मत कर. इस हालत में मैं तुझे घर नहीं ले जा सकता. क्यों, मुझसे डर लग रहा है क्या? अनन्या प्लीज, सीधी बैठी रह एंड कंट्रोल योरसेल्फ. चले, से मुझे घर लेके चलें तो फिर यहीं पर ड्रॉप कर दो. भैया, सेकंड सिग्नल से राइड ले लेना. Easy, relax.
What are you doing? गर ड्रॉप कर दूं? नहीं, मैं चली जाऊंगी. ओके. दक्ष, प्लीज शेखर को मत बताना. ही डजंट नीड टू नो. इन अ मोमेंट ऑफ वीकनेस दक्ष अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में भूल गया. अनन्या चाहती थी कि दक्ष ये बात शेखर को ना बताए, बट दक्ष कुडंट लिव विद दिस लाई. ही रियली वॉन्टेड टू टेल शेखर वॉट हैड हैपेंड, पर वो सोच नहीं पा रहा था किस मुंह से शेखर से माफी मांगे. अरे दक्ष, तू कहाँ है यार? मैं 2 दिन से तुझे फोन कर रहा हूँ, तू फोन ही नहीं उठा रहा. तू चैट पे भी नहीं आया. कोई लड़की वड़की तो नहीं मिल गई ना? शेखर, वो मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता था. इतना सीरियस? तू शादी कर रहा है क्या? शेखर, जस्ट डंप अनन्या. ओके, यू डिजर्व मच बेटर. Trust me. But हुआ क्या? उसने तुझसे कुछ कहा? वो रात को पार्टी करने गई थी ना, तो उसके बाद उसने मुझे कॉल किया. वो मुझसे बोलने लगी कि मैं उसे पिकअप करने जाऊं. और ठीक है, मैं उसे पिकअप करने गया. उसके बाद तो उसके बाद वो कह रही थी कि मुझे उसे मेरे घर आना है. मैंने उसे कहा कि मैं शेखर को बुला देता हूँ या उसे उसके घर ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी यार. तो उसने मुझसे कहा कि वो मेरे साथ मेरे घर चले. तो तू ही बता, मैं अनन्या को इतनी रात को कहाँ छोड़ता? मैं उसे अपने घर ले आया. और वहाँ पहुँचने के बाद फिर आई डोंट नो, एक के बाद एक चीज़ें कैसे बढ़ती गई, कुछ समझ में नहीं आता. शी स्टार्टेड क्लिंगिंग टू मी यार. बट उसने मुझे लास्ट में ये भी कहा कि शेखर को इसे मत बताना. शेखर, बट ट्रस्ट मी, हमारे बीच जो हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी. मैं उसे, शेखर मेरी बात तो सुन. तेरी शेखर प्लीज, शेखर आई नीड टू टॉक टू यू. शेखर प्लीज, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू. मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जस्ट गेट आउट ऑफ माय. शेखर आई एम सॉरी. शेखर, आई डिड नॉट पिक अप माय फोन इन द लास्ट 2 डेज. मैं बहुत परेशान थी. परेशान? सीरियसली उड़ा लिया मेरा मजाक? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा कि तुमने दक्ष के साथ क्या किया? आई जेन्युइनली लव्ड यू एंड यू डोंट डिजर्व मी अनन्या. इसलिए फोन नहीं उठाया था ना मेरे 2 दिन. बिजी थी किसी और बॉयफ्रेंड के दोस्त के साथ. अनन्या, आज के बाद मुझे जिंदगी में कभी फोन मत करना.
देखो ना बेटा, क्या हो गया इसे? ना ढंग से खा पी रहा है, ना सो रहा है, और कुछ पूछ रही हूँ तो बता भी नहीं रहा है। मेरी तो कुछ सुनता ही नहीं है, तुम ही इसे समझाओ। अरे शिखर तू, अरे मैं मूवी चलेगा प्लीज। अरे शिखर मेरी एक बार बात छोड़ना यार, क्या हो रहा है तुझे? क्या कर रहा है तू? मर गया है ना, तेरे श्राद्ध की तैयारियां कर रहा हूं। और सुन, तू भी आना। आएगा ना साले? नाटक कर रहे कब से? अब उठ, चल कॉलेज चलते हैं, बहुत दिन हो गए। वहां लड़कियों से मिलाऊंगा, बहुत मजा आएगा। तू जा यार, मुझे परेशान मत कर, नहीं मिलना मुझे किसी से भी। तू क्या मेरे तरह कूल बनना चाहता? यू नो दर्श कूल। आई विश। वेल माय फ्रेंड, योर विश हैज कम ट्रू। क्या बोल रहा है यार? यार आजा। दक्ष, स्मिता तुझे देख कब से घूर रही है यार। Been there, done that, man. First year में ही हो गया था। यार, रिया कितनी हॉट है यार। Second year, fling. अबे किसी को तो छोड़ दिया कर। अब मैं क्या करूं यार, आदत से मजबूर हूँ। अब देख ना, मैं इनके बगैर जी पाता हूँ ना ये मेरे बगैर। एक मिनट। ओह, 2000 फ्रेंड्स कंफर्म्ड ब्रो। क्या हुआ? यार कोई याशिका चिक ने मुझे ऐड किया है। ये देखो उसकी प्रोफाइल पिक्चर। यार कमाल है ना? हाँ, आई मीन इसकी बाकी पिक्चर्स ब्लॉक्ड हैं, पर जो भी है यार, अगर लेग्स इतने कमाल के हैं तो पूरी बॉडी क्या कमाल की होगी। रॉली, well, it must have been a mistake. We can always correct our mistake. So bye bye. It was nice not knowing you. मुझे डिलीट किया, दक्ष मल्होत्रा को। ठीक है बेटा, अब इसे फ्रेंड से गर्लफ्रेंड नहीं बनाया ना, तो मेरा नाम भी दक्ष मल्होत्रा नहीं। Why? Why do you want to be friends with me? Because तुम ही एक हो जो
जो मेरे जितनी हॉट हो, सो व्हाट अ कोइंसिडेंस, लेट्स बी फ्रेंड्स. दैट्स क्वाइट एरोगेंट. वेल दैट्स मी. Arrogance is hot. So are you. Nice. So where are you from? Chandigarh. And you? दक्ष और याशिका धीरे धीरे करीब आने लगे. मिले बिना ही वो दिन भर ऑनलाइन बातें करते और दक्ष kept liking याशिका मोर एंड मोर. सो डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? व्हाई? जस्ट आस्किंग. नो. यू? बॉयफ्रेंड? नो. Not even a girlfriend. I am coming to Delhi on Saturday for your friend's wedding. Can we meet? Daksh bahut excited tha. जहाँ एक तरफ उसकी मिस्ट्री गर्ल याशिका फाइनली दिल्ली आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ दक्ष के कॉलेज में होने वाला था एक पॉपुलर चैनल का वीजे हंट, विच कुड बी अ टिकट टू हिज ड्रीम्स ऑफ बीइंग अ वीजे. गुड इवनिंग बॉयज एंड गर्ल्स. ग्लोबल वार्मिंग इज अ मेजर इशू टुडे एंड आई एम सॉरी बाय एडिंग टू दिस फिनोमिनन बाय लुकिंग सो हॉट टुडे. दिस इज वीजे दक्ष एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज बेस्ट यू चैनल. असली सक्सेस का फॉर्म तो यही है. I'm here to give a try. I'm gonna be the best VJ of India. Congratulations. Thanks a lot. Daksh rocked the auditions. वो अपने कॉलेज का एक लौता लड़का था who was selected as a trainee VJ. ये उसका बिग ब्रेक था. Daksh? हम्म. अरे जल्दी कर यार, अगले लेक्चर का टाइम हो रहा है. कहाँ है तेरा हीरो? विजय बन गया? वाह भाई वाह, पता नहीं कैसे जीत गया. पैनल पे सिर्फ वो बुढ़ी थी. हाँ, पर उसे क्या फर्क पड़ता है? एज नो बार, सिर्फ करो बार बार. बताया नहीं कहाँ है वो? अरे बाप रे, कहीं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ घर में तो नहीं है? दोस्त है और हमेशा रहेगा, और जो भी हम दोनों के बीच आएगा ना, उसका हाल यही होगा. थैंक्स डूड. चल चल, हाथ धो ले. I'm making some Maggi. Want some? Sure. एक काम करो, वीडियो चैट पे आ जाओ और खिला दो मैगी. Sorry, webcam नहीं चल रहा है. You'll have to come here and get it. अच्छा, आऊँगा तो खिलाओगी? 30 minutes के अंदर आ गए तो हाँ, अगर नहीं तो offer cancel. किसे मिलना है? वो एक फ्रेंड है, उससे उससे. क्या क्या नाम है उनका? याशिका. इतनी रात को तो अंदर नहीं जा सकते ना आप. फोन करिए उनको. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल स्विच्ड ऑफ है.
एक बार आप बेल बजाइए ना, वो जगी हुई होगी। नहीं नहीं भाई साहब, आप जाइए अभी, इतनी रात को अंदर नहीं आ सकते आप। एक बार बात तो सुनिए, उन्होंने मुझे बुलाया था। बहस मत करिए, जाइए यहाँ से, बहुत रात हो गई है, जाइए। पता नहीं यार, कल रात को भागे भागे गया था मैं, यानी कल से फोन भी बंद है। सॉरी ब्रो, ये तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। यू लूजिंग इट एज ब्रो। अबे चुप बैठ, फोन मर गया होगा, और कुछ नहीं हुआ है। अरे बस करो यार, बेचारे का पेट्रोल का खर्चा हो गया और मैगी भी नहीं मिली। बहुत हंसी आ रही। बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ। हे गुड मॉर्निंग या, आई एम ऑन माय वे, ऑलमोस्ट देयर। ओ एक मिनट, मैं इस बार फोन नहीं रख रहा हूँ। यू नो व्हाई? बिकॉज आई जस्ट लव लिसनिंग टू योर वॉइस। एनीवे, सो टेल मी, व्हाट हैव यू प्लान टू वेयर व्हेन यू मीट मी? आई मीन, मुझसे फर्स्ट टाइम मिल रही हो, कुछ इम्प्रेशन होना चाहिए ना मुझ पे। आई मीन, द फर्स्ट इम्पैक्ट इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। वेयर आर यू? हेलो याशिका, हेलो। शिट, नॉट अगेन प्लीज। फिर फोन कट गया। दक्ष की क्यूरियोसिटी अब ऑब्सेशन में बदल रही थी। वो याशिका से मिलने के लिए डेस्परेट था, पर वो समझ नहीं पा रहा था व्हाई याशिका वाज मेकिंग एक्सक्यूजेस। ही वाज ओनली होपिंग दैट दे गेट टू मीट। आखिर उसकी ईगो का भी तो सवाल था यार। क्या याशिका? आई एम ऑनेस्टली वेरी सॉरी, माफ कर दो। वो क्या है ना, फोन कट गया, देन माय बैटरी डाइड। फिर वो जानवी माय फ्रेंड, उसकी तबीयत खराब हो गई, घर पे भी पाकत था तो फोन भी चार्ज नहीं कर पाए। आई सो वांटेड टू मीट यू डूड। हे याशिका, स्टॉप प्लेइंग गेम्स विद मी। ओके, तुम क्या मजाक बना के रखा है? थक गया मैं तेरे इन बहानों से। ओके, एंड डोंट एवर टेक मी फॉर ग्रांटेड, मैं कोई मजाक नहीं हूं। यू नो व्हाट, जस्ट गेट लॉस्ट मैन। You can take me home tonight. What? मैं आज रात तुम्हारे घर आना चाहती हूँ. We go clubbing. Then you take me home. Are you serious? पहला रूल तोड़ नहीं पाए, उससे भी बड़ा रूल तोड़ना है. Don't want to lose you, sweetheart. See you after college today. Great. अब ट्राई कर। अरे दक्ष, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरा तो आज वीजे इंटर्नशिप का फर्स्ट डे है, तू गया नहीं अभी तक? हाँ है, लेकिन कॉलेज के बाद है। पर यार एक धर्म संकट है यार। तू और धर्म संकट, हट। अबे नहीं यार, सीरियसली, वो यशिका मुझसे मिलना चाहती है, बट वो भी कॉलेज के बाद। अबे तो वो धर्म संकट थोड़ी हुआ, देख या तो काम पे जा या तो काम के पास जा यार। But seriously, what should I do? अरे come on guys, तेरा जॉब का फर्स्ट डे है और ये तेरा ड्रीम जॉब है यार, come on. I don't think so, तुझे किसी लड़की की वजह से तेरा जॉब का फर्स्ट डे मिस करना चाहिए। याशिका, हेलो, हाय, ओके, अच्छा याशिका सुनो, हेलो जा रहा है उससे मिलने? नहीं नहीं, उससे मिलने नहीं जा रहा हूँ, ऑब्वियसली जॉब पे जाऊंगा यार, लड़की थोड़ी इम्पोर्टेंट है। राइट, चल चल चलते हैं। चल, सी यू गाइस। सी यू गाइस। याशिका ने दक्ष को कई बार डेच किया था, अब बात सेल्फ रिस्पेक्ट की थी, पर फिर भी नई जॉब पे पहले दिन जाने की बजाय ही मेड द चॉइस टू मीट हर। अब बस ये देखना था कि याशिका उसे फिर डेच करेगी या फाइनली दे गेट टू मीट।
मैंने तो सोचा तुम आज भी नहीं आओगी। ऐसा डाउट था, फिर भी आ गई मिलने। नहीं आती तो Playing hard to get, हाँ? अब प्यार में थोड़ा चेस तो करना पड़ता है ना। This is boring. प्यार? प्यार हो गया तुम्हें? Life का क्या भरोसा? कब क्या हो जाए? Let's drink to that. Sure. Thanks. Cheers to us. Come on. I'm driving. You drink. ओके वैसे हम जा कर रहे हैं। तुम अपना ड्रिंक खत्म करो एंड लेट मी टेक यू फॉर द राइड ऑफ योर लाइफ। ग्रेट। याशिका ये क्या लाई हो मुझे? आई मीन फर्स्ट डेट के हिसाब से कोई बहुत अनरोमांटिक जगह नहीं है ये? पेशेंस। ओके गॉड दिस प्लेस स्टिंक्स मैन रियली। इट डजंट स्टिंक मोर देन यू दक्ष। शेखर तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे कुछ सिखाने आया हूँ आज मैं यहाँ। मैं समझा नहीं तू कुछ सिखाने आया मतलब? अगर तुझ में इतनी अकल होती तो तू मेरी गर्लफ्रेंड के साथ वो नहीं करता जो तूने किया। साले तेरी वजह से मेरा ब्रेकअप हुआ पता है तुझे? तू अभी भी वहीं अटका है। शेखर वो एक कैरेक्टरलेस लड़की थी और मैं उसके पास नहीं गया था, वो मेरे पास आई थी। कि तो अच्छा हुआ कि मैंने तेरे पास आई थी। हाँ जैसे याशिका आई तेरे पास कि तू उसके पीछे लट्टू होकर घूम रहा था। What do you mean? तू क्या बोल? याशिका कजन है मेरी। जो कुछ भी तूने मेरे साथ किया ना उसका बदला लेने के लिए उसने मदद की है मेरी पूरी। बहुत फॉलोअर्स है तेरे। हाँ 2,000-5,000 सब पूछते हैं तुझे। साले कल हंसेंगे तेरे पे उतारे। कोई लड़की तेरे से प्यार नहीं करना चाहती दक्ष, और इस तेरी सारी गलतफहमी मैं कल मिटा के रहूंगा। तेरी माँ ने बताया नहीं कि अनजान लोगों के हाथ से कुछ खाना पीना नहीं चाहिए? Oh.
हाय दक्ष, आपके इस इंटरनेट वीडियो से हमारे चैनल इमेज पे बहुत इफेक्ट होगा एंड वी कैन नॉट रिस्क दैट। यू हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम योर इंटर्नशिप विद अस। सॉरी। दक्ष का वीजे बनने का सपना वहीं खत्म हो गया। जिन लोगों के लाइक्स और कमेंट्स के लिए कभी दक्ष खुद के फोटोज लगाता था, आज वो दक्ष पर हंस रहे थे। दक्ष हैड बिकम अ जोक। शेखर ने अपने रिवेंज के लिए दक्ष का सारा कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। जो दक्ष ने शेखर के साथ किया था वो गलत था, बट वॉट शेखर डेड टू दक्ष वॉज इवन वर्स। उसे तो दक्ष की जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो गई। कभी कभी इंटरनेट बन जाता है अ टूल टू गेट बैक एट पीपल, एक वेपन की तरह, वन अटैक एंड अ लाइफ चेंजिंग इम्पैक्ट। अपने जिंदगी के फैसले बहुत सोच समझ के लीजिए, क्योंकि एक गलत फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है।